Good evening, everyone. Good evening. Good evening to all of you. Good evening, everyone. So, am I audible? ओके okay. आज दिखाई नहीं दूंगा ठीक है क्योंकि जो है वो आ, वीडियो की जो है क्वालिटी है वो कुछ अजीब हो गई है थोड़ा सा सेटिंग में जाके हमें सुधारना पड़ेगा उसके बाद जो है आपकी क्लासेस जो है गुड इवनिंग एवरीवन प्रियंका ओमी बिल्कुल नया नाम देख रहा हूं आज मैं सो गुड इवनिंग एवरी वन और आज जो है आपको मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी ठीक है मेरी वीडियो आज दिखाई नहीं देगी क्योंकि बहुत अजीब टाइप से एक तरह से दिख रहा है अंधेरा अंधेरा टाइप का कुछ इस तरह से लाइट अजीब है Okay. तब तो मज़ा नहीं आएगा <laughs> ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आएगा सो so, एक्चुअली आज मतलब जो सेटिंग में है ना थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा और कल ही ऐप जो है अपडेट हुआ है और अपडेट हुआ है उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी बदल सी गई हैं देखते हैं क्या होता है राइट right. ओके गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है झारखंड की चित्रकला है ना तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और अपने आप को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ बहुत जो है कलर अजीब लग रहा है ठीक है वीडियो का क्वालिटी जो है वो अजीब दिख रही है एक मिनट में देख लेता हूँ ना एक मिनट ना। गुड इवनिंग कविता अलोवती नुपुर अ वेरी गुड इवनिंग एवरी वन जस्ट होल्ड अ मिनट ऐसा क्यों हो रहा है आज ठीक है ना आज वीडियो पे नहीं दिखेंगे है ना तो इसीलिए जो है आज ऐसे ही पढ़ लीजिए ओके गुड इवनिंग एवरी वन सो लेट्स स्टार्ट आर क्लासेस एंड आज जो बात करने वाले हैं वो है झारखंड की चित्रकला ठीक है यानी जो है पेंटिंग या फोक पेंटिंग एक तरह से कह सकते हैं लोक चित्रकला जिसको कहा जाता है राइट इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं लगता है ये भी जो है आज थोड़ा सा रूठा हुआ टाइप का है तो आज हम लोग जो है झारखंड की लोक चित्रकला के बारे में बात करेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को है ना लेट्स स्टार्ट और सबसे पहले जो बात करने वाले हैं ठीक है सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रख लीजिएगा चित्रकला जब हम एक तरह से बात करते हैं तो चित्रकला देखिए किसी भी समाज का किसी भी सोसाइटी का एक तरह से कैसे विकास हुआ है ठीक है किस तरह से वो एंशियंट टाइम में रहा करते थे या किस तरह से डेवलप हुआ है उन सारे चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलता है कहां से चित्रकला से ही लाइक like एक तरह से अगर हम बात करते हैं जैसे आपने सुना होगा आ, क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर भीम बेद का पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा ये जो भीम बेद का पेंटिंग है या फिर जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या फिर बाकी कई भी कई सारे एंशियंट जो सिविलाइजेशन हुए उनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है चित्रकला के माध्यम से ही राइट right? अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको सामान्य तौर से अगर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पाषाण युग से ही चित्रकला लोगों को जो है एक तरह से क्या करती आई है लुभाती आई है क्योंकि चित्रकला सिर्फ एक कला नहीं है या फिर एक विद्या नहीं है बल्कि मानवता के विकास का का एक एक जो सर्टेन स्टेप्स uh, तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करती है झारखंड की चित्रकला भी कुछ ऐसे ही है झारखंड की चित्रकला से भी हमें आदिवासी जन जो समुदाय है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरी वन हालांकि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ ठीक है लेकिन आज मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो की क्वालिटी बहुत गंदी है राइट right? इसीलिए तो अगर हम बात करते हैं ये चित्रकला के माध्यम से ठीक है जो आदिवासी समाज है उनकी समृद्ध परंपरा के बारे में हमें जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उनके जीवन शैली सामाजिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है सबसे पहली जो चित्रकला के बारे में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कौन सा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरी सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जादो पटिया ठीक है किसके बारे में बात करेंगे जादो पटिया के बारे में डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिएगा ये जो जादो पटिया चित्रकला है यह मुख्यतः समाज के उद्भव विकास धार्मिक मान्यताओं ठीक है मिथक रीति रिवाज और नैतिकता को रिप्रेजेंट करने का काम करता है यानी हम कह सकते हैं कि ये जो जादो पटिया चित्रकला है मेनली ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है किस चीज को अभिव्यक्त करता है तो ध्यान रखेंगे ये जो चित्रकला है ये किसको अभिव्यक्त करता है या एक तरह से कह सकते हैं किसे एक्सप्रेस करता है तो ध्यान रख लीजिएगा ये जो है हाँ आपका कह सकते हैं ओरिजिन डेवलपमेंट रिलीजियस गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग रिलीजियस बिलीफ मेथ्स कस्टम्स एंड मॉरल्स ऑफ दी सोसाइटी, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या कि ये जो है आपका समाज के उद्भव ये भी लिखने वाला जो है ना ये भी लगता है खराब हो गया समाज के उद्भव विकास धार्मिक मान्यताओं मान्यताओं मिथकों गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन रीति रिवाजों और नैतिकता ठीक है इसको क्या करता है आपका इसे अभिव्यक्त करता है ध्यान रख लीजिएगा सबसे पहली चीज आपको ध्यान रख लेनी जादो पटिया के संबंध में दूसरी बात जो आपको याद रख लेनी है ठीक है ये जो है हमारे अगर झारखंड की बात करते हैं तो एक संथाल जनजाति है और यह संथालों की क्या आपका पहचान है ये जो चित्रकला है ये संथाल जनजाति की पहचान है ये जनजाति की पहचान या फिर एक तरह से कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द संथाल आइडेंटिटी ऑफ द यानी मेनली अगर आपसे बोला जाए कि किस जनजाति में यह जो है प्रिवलेंट है तो ध्यान रख लीजिएगा संथाल जनजातियों में काफी ज्यादा यह पॉपुलर देखने मिलेगा है ना अब इसमें दरअसल क्या है ना कि संथाल जनजाति में जादों का मतलब क्या होता है जादों का अर्थ होता है आपका चित्रकार ठीक है अगर हम जादों की बात करते हैं जादों का मतलब होता है आपका चित्रकार ठीक है या पेंटिंग करने वाला हालांकि पुरोहित को भी यही चीज कहा जाता है राइट और पटिया का मतलब होता है कागज के या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े पटिया की अगर बात करते हैं तो कागज या कपड़े के टुकड़े टुकड़े ठीक है पीसेस ऑफ पेपर और क्लोथ्स ठीक है लिखा नहीं रहा भाई सही से गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग एप्री गुड इवनिंग रुपेश पीहू खुशबू हेमंत गुड इवनिंग एवरीवन तो ये जो है आपका जादो का मतलब क्या होता है संथाली भाषा में चित्रकार और पटिया का मतलब क्या होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े यानी यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि जो जादो होता है वो क्या करेगा कपड़े या कागज को जोड़कर एक पट्टा बनाता है और फिर जो है नेचुरल कलर का यूज करके क्या करेगा आपका पेंटिंग बनाएगा उसी को कहा जाता है आपका जादो पटिया क्या बोलते हैं जादो पटिया यानी कह सकते हैं कि जादो मेक अ Uh, क्या कह सकते उसको प्लेट बैंड बाय जॉइनिंग क्लोथ्स और पेपर एंड देन पिक्चर इन इट विद नेचुरल कलर्स यानी जो है उसको क्या करेगा आपका प्राकृतिक रंगों से जब चित्र उकेरता है तो वही कहलाता आपका जादो पटिया ध्यान रख लीजिएगा अब उन कपड़ों को यानी जब ये, ये कागज या कपड़े के बेसिकली क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने के लिए क्या करेगा आपका तो ध्यान रख लीजिएगा उसके लिए बेल का जो गोंद होता है बेल एक जो है जंगली फल आपको देखने मिलेगा हालांकि बेल पत्ते का जो प्रयोग है वो आपका पूजा पाठ में भी देखने मिलेगा तो उसी बेल का जो गोंद होता है उसी का प्रयोग करते हैं जबकि प्राकृतिक रंगों के रूप में ध्यान रख लेंगे ठीक है प्राकृतिक रंगों की चमक को बनाए रखने के लिए बबुल के गोंद का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ जो है हाँ आपका नेचुरल कलर्स का ही प्रयोग करते हैं ध्यान रखेंगे सबसे खास बात ध्यान रख लीजिएगा इनकी जो विषय वस्तु होती है ठीक है ध्यान रख लीजिएगा इनकी जो विषय वस्तु होती है विषय यानी जो थीम होगा ध्यान रखेंगे वो क्या होगा सर तो याद रख लीजिएगा इसका जो थीम होता है जैसे सिद्धू कानू हो गया है ना बेसिकली जो है आपका संथालों में प्रचलित है तो इसलिए जो है सिद्धू कानू जो कि एक महान क्रांतिकारी नेता हुए दोनों भाई थे ये सिद्धू कानू हो गए या फिर जो है आपका तिलका मांझी की बात करेंगे तिलका मांझी की बात करेंगे या बिरसा मुंडा की बात करेंगे ठीक है इनको जो है एक तरह से बेसिकली ये किया जाता है हालांकि इसके अलावा जो है आपका ध्यान रखेंगे रामायण महाभारत जैसे जो है ठीक है चीजों से भी आपका थीम को लिया जाता है रामायण हो गया महाभारत हो गया आपका कृष्ण लीला हो गया राइट यहां से भी जो है एक तरह से चीजों को उकेरा जाता है ध्यान रखेंगे दूसरी चीज इन विषय वस्तुओं के साथ साथ ध्यान रख लीजिएगा कि जो बाघ देवता है है ना बाघ देवता बाघ देवता एवं जीवन के बाद जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण भी किया जाता है दृश्यों का चित्रण किया जाता है यानी इंग्लिश में कह सकते हैं इट डेपिक्ट द टाइगर डेट डेटी एंड द आफ्टर लाइफ ठीक है जीवन के बाद के दृश्यों का यह किया जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित है तो ध्यान रख लीजिएगा इसका जो क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपका दुमका क्षेत्र में प्रचलित है कहां पर दुमका क्षेत्र में ठीक है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरी तो सबसे पहले हमने क्या बात किया सबसे पहले हमने बात किया कि इस जादो जो पटिया चित्रकला है ठीक है ये जादो पटिया जो चित्रकला है इसमें किस चीज की अभिव्यक्ति होती है अरे रे ये क्या हो रहा है माफ कीजिएगा हमको लगता है ना ये क्लास जो है एक तरह से लेना मुश्किल हो जाएगा ऐसे में तो ठीक है देखिए ये अपने आप लिखा रहा है ये कम वक्त पता नहीं क्या हो गया है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो जादो पटिया चित्रकला है इसमें किस चीज की अभिव्यक्ति की जाती है तो इसमें अभिव्यक्त किया जाता है आपका ओरिजिन डेवलपमेंट रिलीजियस बिलीफ मिथ्स कस्टम्स एंड मोरल ऑफ सोसाइटी यानी समाज के उद्भव विकास धार्मिक मान्यताओं मिथकों रीति रिवाजों और नैतिकता को अभिव्यक्त किया जाता है ध्यान रखेंगे अब ये किस जनजाति में है तो ध्यान रख लीजिएगा संथाल जनजाति की ये पहचान है आइडेंटिटी ऑफ दी संथाल ट्राइब संथाल जनजाति में ही ध्यान रखिए संथाली भाषा में जादों का मतलब क्या होता है चित्रकार और पटिया का क्या अर्थ होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े यानी पीसेस ऑफ पेपर एंड क्लोथ्स क्योंकि आज जो है वो सही से लिखा नहीं रहा है आई थिंक जो है मेरा जो पेंटैब है इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल एरर आ गई है इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है आ, मतलब क्या बोलते हैं लाइंस वगैरह दिखाई देंगे अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी विषय वस्तु होती है तो ध्यान रखेंगे सिद्धू कानू तिलका जीव बिर मुंडा रामायण महाभारत कृष्ण लीला से ये लिया जाता है हालांकि इसके अलावा बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता है जो कि मेनली कहां पर आपका दुमका क्षेत्र में देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह से ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ठीक है ये क्या आपका ये जो है आपका जादो पटिया चित्रकला का ही रूप है झारखंड के कई जो सरकारी दीवार होते हैं आपको वहां पर इस तरह के पेंटिंग देखने को मिलेंगे चलिए इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपका कोहवर चित्रकला नाम से ही पता चलना चाहिए कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब होता है आपका विवाहित जोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कोहबर का जो सामान्य सा अर्थ होता है लिटरल मीनिंग अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थों की जब हम एक तरह से बात करते हैं रेड कलर ना यूज करके हम ब्लू यूज कर लेते हैं सबसे बढ़िया ये भी नहीं ले रहा भाई ऐसा क्या हो गया हाँ शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे लिटरल मीनिंग की जब बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है आपका गुफा में विवाहित जोड़ा ठीक है मैरिड कपल इन केव ठीक है दरअसल यहां पर ध्यान रख लीजिएगा ये जो को का मतलब होता है को का मतलब होता है आपका क्या को का मतलब होता है आपका गुफा ठीक है और ध्यान रख लीजिएगा वर का मतलब होता है विवाहित युगल विवाहित युगल यानी मैरिड कपल मैरिड कपल और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दोनों का मिला के क्या हो गया सर इसका मतलब हो गया आपका गुफा में विवाहित जोड़ा आई होप बातें जो है एक तरह से क्लियर हो रही होंगी हालांकि आप हमें नहीं देख पा रहे होंगे अलग बात है लेकिन हम आपके साथ हैं ठीक है ठीके? ध्यान रखेंगे किन सारे चित्रों का जो है एक तरह से चित्रण किया जाता है तो ध्यान रख लीजिएगा इसमें जो चित्रण होगा डेपिक्स की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक परिवेश ये दिमाग खराब हो रहा है मेरा इसमें तो प्राकृतिक परिवेश ठीक है और स्त्री पुरुषों पुरुषों के विविध पक्ष का ठीक है ध्यान रख लीजिएगा यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेल फीमेल रिलेशनशिप ठीक है इस इसको एक तरह से इसमें क्या किया जाता है दिखाया जाता है ध्यान रखेंगे अब सिंपल सा याद रख लीजिएगा जब भी एक तरह से दो लोगों की शादी होती है मतलब महिला और पुरुष की शादी होती है तो उनके घर में जहां पर वो लोग एक तरह से बैठते हैं वहां पर इस तरह के चित्रण किए जाते हैं अगर आप यहां पर देखिएगा तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी जैसे ये जो है आपका बैठने का जगह हो सकता है ये जो है आपका टोकरी और कुछ बाल्टी वगैरह आपको देखने मिलेगा ये गृहस्थी के सामान वगैरह देखने मिलते हैं ठीक है ये कुछ देखिए ये ऐसा चल रहा है ना क्या ही मैं बोलूं आज मतलब कुछ बोल नहीं सकता मैं बहुत पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है चलिए तो ये चीज क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेनी है कि ये जो कोहबर चित्रकला है ठीक है इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि प्रत्येक विवाहित महिला जो है याद रखेंगे पहली बात तो ये विवाहित महिलाएं इसमें ये पार, पार्टिसिपेट करती हैं प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहवर कला का का चित्रण करती है ध्यान रख लीजिएगा ठीक है एवरी मैरिड वुमेन कोहबर आर्ट एट हर हस्बेंड्स हाउस याद रख लीजिएगा क्या है यहां पर एक पॉइंट जो आपको ध्यान रख लेनी है वो याद रख लिया विवाहित महिला ठीक है ये जो है विवाहित महिलाओं के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है मतलब मैरिड वुमेन ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ये बात जो है क्या करनी है हाँ? आपको ध्यान में रख लेनी है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग संदीप गुड इवनिंग है ना ध्यान रखेंगे अब बात आती है कि आखिर ये किस मौसम में इसको परफॉर्म किया जाता है तो ध्यान रख लीजिएगा जब हम एक तरह से मौसम की बात करते हैं यानी जब एक तरह से सीजन की बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा ठीक है कब विवाह के मौसम में याद रखेंगे कब विवाह के मौसम में विवाह के मौसम में यानी जो है मैरिज सीजन एक तरह से कह सकते हैं मैरिज सीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है अब ये मैरिज सीजन अगर देखेंगे तो जनवरी से जून महीना तक यहां पर माना जाता है जनवरी से जून तक इस चित्रकला का एक तरह से ये करते हैं ध्यान रखेंगे अब इसमें जो है ना घर आंगन में ये सारी चीजें आप देखेंगे तो घर आंगन में ही ये सारा चीज परफॉर्म किया जाता है तो घर आंगन में डिफरेंट टाइप के जो जोमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसके द्वारा जो है आपका फूल पत्ती पेड़ पौधे और नारी की प्रतीकों की चित्रकारी एक तरह से की जाती है ध्यान रख लीजिएगा एक जो खास बात वो ये कि इसमें जो है आपका सिकी देवी का चित्रण किया जाता है ध्यान रख लीजिएगा है ना किसका सिकी देवी का चित्रण सिक्की बेसिकली एक तरह से देवी होती है का चित्रण किया जाता है ध्यान रख लेंगे है ना सिक्की जो कि एक तरह से सिक्की इज डेपिक्टेड एक तरह से कह सकते हैं है ना याद रख लीजिएगा अब मेनली जो है एक तरह से किस जनजाति से संबंधित है तो अगर आपसे पूछा जाएगा जनजाति तो ध्यान रखेंगे इसमें बिरहो ट्राइब जो है एक तरह से निपुण मानी जाती है ठीक है कौन सी बिरहोर जनजातियां बिरहोर ट्राइब इसमें जो है एक तरह से निपुण मानी जाती है अब अगर हम इसके अवशेष की जब एक तरह से बात करते हैं अवशेष ठीक है या एक तरह से एविडेंस की बात करेंगे या साक्ष्य की अगर हम बात करेंगे एविडेंस की बात करेंगे तो यह आपको कहां पर मिलेगा सर ये मिलता है आपका हजारीबाग क्षेत्र में हजारीबाग के जंगलों की गुफाओं में जंगलों की गुफाओं में ठीक है इन द केव ऑफ फॉरेस्ट ऑफ़ हो रही है तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ होगा। सबसे पहले हमने क्या बात किया कि जो विवाहित जोड़ा ठीक है इसका चित्रण जो है आपका प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के विविध पक्षों के बारे में जानकारी मतलब ये जैसे विवाह के पश्चात जो है एक महिला और पुरुष के जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं ठीक है उन सारी चीजों को ये किया जाता है आप यहीं पर देख लो ना सबसे सिंपल जैसे यहाँ पर हल बैल आप देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर जो है वो मिट्टी ढोने वाली चीजें देखने मिलेंगी ठीक है यहां पर बैठने के लिए या कोई चीज आई थिंक पूजा पाठ करने के लिए है ये जो है आपका इधर देखेंगे जो है सिलबट्टा वगैरह आपको देखने मिल जाएगा एक महिला देखने मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर आपको ढेकी देखने मिल जाएगा एक महिला जो यहाँ पर पौधों में पानी दे रही है तो इस तरह की चीजें एक तरह से देखने मिलती है यानी जो है एक पति पत्नी के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उन्हीं सारी चीजों को दिखाया जाता है आपका किसमें कोहबर चित्रकला के माध्यम से ध्यान रख लीजिएगा किसके माध्यम से कोहबर चित्रकला के माध्यम से अब यहां पर ध्यान रख लेंगे प्रत्येक विवाहित महिला अब चूंकि जो है ये विवाह वैवाहिक जीवन के दृश्यों को इसमें जो है डेपिक्ट किया जाता है और इस कारण से इसमें विवाहित महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं किस मौसम में इसका जो है डेपिक्शन किया जाता है तो ध्यान रखेंगे ये विवाह के मौसम में जो है आपका जनवरी से जून तक किस देवी का चित्रण करते हैं तो सिकी देवी का इसमें चित्रण किया जाता है और ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी जनजाति एक तरह से परफॉर्म करती है या कौन सी जनजाति इसमें निपुण मानी जाती है तो बिरहोर जनजाति इसके अवशेष या साक्ष्यों की जब हम एक तरह से बात करते हैं हजारीबाग के जंगलों में ठीक है गुफाओं पर चट्टानों के इस प्रकार के पाषाणकालीन चित्र देखने को मिलते हैं जी हाँ 2020 में सोहराय और कोहबर को जो है दोनों को सम्मिलित रूप से टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया और झारखंड का एकमात्र या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जो जीआई टैग है वह आपका सोहराय एवं कोहबर तो दोनों को एक साथ हम लोग उसको देख लेंगे ठीक है फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कोहबर चित्रकला होता है हमारा समाप्त और इसके बाद आता है आपका सोहराय चित्रकला ये जो है आप देखिएगा अगर आप रांची रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर जो आप जेपीसी ऑफिस के बाहर या राजभवन या फिर जो आपका बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क इन सारे क्षेत्रों में आपको जो है ये चित्रकला देखने मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं आपका सोहरा चित्रकला कहते हैं और ध्यान रख लीजिएगा झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन चित्रकला है ठीक है ये जो है आपका झारखंड की जनजातियों की क्या है आपका एक प्राचीन चित्रकला है जनजातियों की एक प्राचीन चित्रकला एंशियंट पेंटिंग आर्ट ऑफ ट्राइब्स याद रख लीजिएगा सबसे पहली बात ठीक है याद रखेंगे एक पॉइंट और ठीक है इट इज रिलेटेड टू सोहराय फेस्टिवल ठीक है यह सोहराय सोहराय पर्व से जुड़ा है ठीक है याद रखेंगे सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है राइट right. अब अगर हम बात करते हैं ठीक है इसमें किसका चित्रण किया जाता है डेपिक्ट्स की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो कला के देवता हैं ठीक है कौन कला के देवता प्रजापति या पशुपति कहते हैं प्रजापति या पशुपति ध्यान रख लीजिएगा ठीक है ठीक है पशुपति और प्रजापति द गॉड ऑफ आर्ट प्रजापति और पशुपति अब यहां पर फोटो में देखिए आप ठीक है फोटो में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलता है सर आपको देखने मिलता है कि जो है आपका एक जो है साढ़ है ये बेसिकली क्या आपका साढ़ है इस साढ़ के ऊपर जो है आप यहां पर देखेंगे क्या कला के देवता जो पशुपति वो क्या है आपका बैठे हुए हैं ध्यान रख लीजिएगा यानी पशुपति को साढ़ की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है बैठे हुए नहीं है खड़ा चित्रित किया जाता है ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा तो ये कौन है आपका यही है बेसिकली कौन पशुपति या प्रजापति और ये बेसिकली क्या आपका एक साढ़ है ध्यान रखेंगे है 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 ना क्या अब है? है. अगर हम इसके बात करते हैं ठीक है इसकी प्रमुख शैली की बात करेंगे तो दो प्रमुख शैलियां पाई जाती है प्रमुख शैली की जब हम बात करते हैं मेन स्टाइल की जब हम एक तरह से बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका दो तरह का एक होता है आपका गंजू चित्रकला या गंजू सोहराय बोलते हैं उसको सोहराय कहा जाता है ठीक है और एक होता है आपका कुर्मी सोहराय कुर्मी सोहराय हालांकि ये चीज आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा तो गंजू सोहराय और जो आपका कुर्मी सोहराय दो मेन स्टाइल है ठीक है ध्यान रख लीजिएगा और दोनों में ही जो आपका नेचुरल कलर का यूज करके जो आपका इस तरह के पेंटिंग जो है एक तरह से परफॉर्म किए जाते हैं ध्यान रख लीजिएगा यह चित्रकला बेसिकली कब शुरू होती है तो वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होगी उसके बाद घरों की लिपाई पुताई से प्रारंभ होगी और ध्यान रखेंगे ये जो है आपका मेनली जो सोहराय पर्व है उस समय इसको एक तरह से दिखाया जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है तो याद रख लीजिएगा इसकी शुरुआत कब होती है स्टार्ट ठीक है तो वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से पुताई से प्रारंभ होता है ध्यान रख लीजिएगा ठीक है विद द पेंटिंग ऑफ पेंटिंग ऑफ हाउसेस आफ्टर रेनी सीजन ठीक है ध्यान रख लीजिएगा है ना अब यहां पर जो एक तरह से अपडेट की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे एक चीज अपडेट ये याद रख लीजिएगा या नोट करके याद रख लेंगे क्या नोट करके याद रख लीजिएगा कि जो आपका सोहराय एवं कोहबर को 2020 में जी आई टैग यानी जिसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत जो है एक तरह से याद रख लीजिएगा जी आई टैग प्रदान किया गया याद रख लीजिएगा यानी जो है आपका सोहराय एंड pohobar painting has been awarded geographical indication in 2020 ठीक है और यह झारखंड का पहला ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है यानी जो है झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला यह प्रथम जी टैग है यह भी बात क्या करेंगे आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है अब इन दोनों जो को जो को है एक तरह से जीआई टैग प्रदान करने का जो काम किया वो ध्यान रख लीजिएगा ठीक है हजारीबाग में एक संस्था है जिसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कला निधि बोलते हैं ठीक है तो उसके के संयोजक हैं बुलू इमाम वही इन दोनों जो है पेंटिंग को क्या करते हैं आपका इसको आगे बढ़ाने में यानी एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाने में काफी ज्यादा एक तरह से प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है आपका 2020 में सोहराय और कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया याद रख लीजिएगा ठीक है इसके बाद जो है चूंकि आज लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए हम क्या करते हैं ना कि आगे कंटिन्यू रखें ऐसे ही लिख लिख के क्योंकि आज हम दिख भी नहीं पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर ऐसे कंटिन्यू करें या फिर जो है आज यहीं तक छोड़ दें गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग शिखा श्रीवास्तव बोलिए लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं कल कर लेंगे ना हम्म hmm. क्योंकि थोड़ा उतना मजा नहीं आ पा रहा है लाइक like हम थोड़ा स्क्रीन पे अब ऐसा नहीं कि जो है लेकिन जो है वो लिखने में बहुत दिक्कतें हो रही पता नहीं ये मिसबिहेव क्यों कर रहा है कल से थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपडेट वगैरह कुछ होगा तो ठीक है बाकी बात हम लोग जो है अगले क्लास में जो बात करेंगे वो आपका बात करेंगे पैदकार चित्रकला के बारे में ठीक है उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे आपका कंघी कट चित्रकला यानी कॉमकट पेंटिंग के बारे में ठीक है इसके अलावा जो बात करेंगे हाँ सुन पा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं स्ट्रॉ चित्रकला के बारे में बात करेंगे भित्ति चित्रकला के बारे में बात करेंगे ठीक है गंजू चित्रकला के बारे में बात करेंगे और जो है महत्वपूर्ण झारखंड के जो चित्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे तो आज की क्लास को रखते फिलहाल यहीं तक ठीक है और मिलेंगे हम आपसे कल और कल ही जो है बाकी सारी चीज को कवर करेंगे ठीक है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन डू टेक केयर बाय जय हिंद एंड जोहार झारखंड सी यू टुमारो एवरीवन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए